हेलो एवरीवन दिस इज़ जयती शुक्ला एंड आई वेलकम यू ऑल टू पेनेशिया आई एस चैनल सो द टॉपिक फॉर टुडे इज़ मोधेरा सन टेंपल सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस टेंपल इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ इनोग्रेटेड हेरिटेज लाइटनिंग एट सन टेंपल इन मोधेरा व्हिच इज़ इन गुजरात जिसके साथ ये इंडिया की पहली हेरिटेज साइट बन गई है जो कि फुली सोलर पावर्ड है विच मीन्स इट इज पावर्ड सोलरली बाय सोलर एनर्जी देन अगर हम बात करें दैट वेन दिस टेम्पल हैज एंटर दूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सो दिस टेम्पल एंटर द वर्ल्ड हेरीटेज साइट इन द ईयर टू थाउजेंड फोर्टीन देन इसी के साथ एक और सिग्निफिकेंट हैपनिंग हुई है कि गुजरात की मुधेरा विलेज भी इंडिया की पहली फुली सोलर विलेज बन गई है इस प्रोजेक्ट में एक ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट फिक्स हुआ है प्लस 1300 रूफटॉप सोलर सिस्टम्स फिक्स हुए हैं रेजिडेंशियल एज़ वेल एज़ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस टेंपल कॉम्प्रिहेंसिवली मुधेरा सन टेंपल चालुक्य डायनेस्टी के राजा भीम फर्स्ट ने 1036 सीई में बनवाया था किस गॉड को ऑनर करने के लिए सन गॉड को ऑनर करने के लिए बनवाया था भीम वन ने ये टेम्पल गुजरात की महसाना डिस्ट्रिक्ट में नाउ ये टेम्पल एक रिवर के किनारे लोकेटेड है विच इज नोन एज रिवर पुष्पावती मधेरा टेम्पल का उल्लेख स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में भी मिलता है जिससे कि पता चलता है कि ये काफ़ी सिग्निफिकेंट टेम्पल है इसकी सबसे अमेजिंग सिग्निफिकेंस रिलेटेड है इक्विनॉक्स से इक्विनॉक्स की बात करें तो साल में दो बार ऐसा होता है कि सन रेज इक्वेटर पे डायरेक्टली फॉल करती हैं कॉन्सिक्वेंटली जिससे डे एंड नाइट इक्वल हो जाते हैं और इसी इवेंट को इक्विनॉक्स कहते हैं अब अगर इस टेंपल की बात करें तो इक्विनॉक्स पे सन की फर्स्ट रे उस डायमंड पे शाइन करती हैं जो कि इस टेंपल के सन गॉड के हेड पे लगा है देन देन इसी टेंपल में एक उत्तरार्ध महोत्सव जो कि एक थ्री डे डांस फेस्टिवल है सेलिब्रेट होता है इन द मंथ ऑफ जनवरी सो दिस वाज अबाउट मुदेरा सन टेंपल। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन प्लीज मैंशन इट इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू